आखिर ये औरत कौन थी? उसके साथ क्यों ऐसी दरिंदगी दिखाई गई थी? उसके ना सिर्फ सपने जलाकर राख कर दिए गए थे, बल्कि उससे जीने का हक भी छीन लिया गया था। यार ये हमेशा गलत टाइम पर टपकती है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? ये मेरा घर है, पति हो तुम मेरे, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी और औरत के साथ? ये कोई और औरत नहीं है, मेरा नाम है इसका, प्यार करता हूं मैं इससे, समझी? और तुम्हारी भलाई चाहती हो तो निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, अगर यहाँ से कोई जाएगी तो ये जाएगी। खबरदार मेरे पति पे दुकान। जितनी बार निकालोगी उतनी बार मैं उसे घर ले आऊंगा। अगर जाना है तो तुम जाओ, डिवोर्स पेपर दिए है, साइन करो और निकलो। मीरा, मीरा, जीजा जी, ताई को एक चांस तो देकर देखिए। आप जानते हैं ताई आपसे कितना प्यार करती है, कितनी चिंता करती है आपकी। मैंने कभी बोला है तुम्हें अपने मैरिड लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्यों ज्ञान दे रहे हो मुझे इतना? और इतना ही दुख हो रहा है उसका तो उसे समझा दो, डिवोर्स दे दे। अपना और मेरा जीना हराम कर रही है वो। आरती, अरे तुम रुको, मैं देखती हूँ। प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। देखो श्याम भाव, मैं समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे आरती को कोई तकलीफ ना हो, नहीं मतलब आपको भी तकलीफ ना हो। अभी भाव दिन रात उसको ऐसे रुलाना कोई सही बात तो नहीं है ना। कुछ महीनों की बात है, डिवोर्स हो जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे, भरोसा है ना मुझ पर। फिर अपने अपने रास्ते। हाँ एक तुम हो और एक वो आरती है, अपने पति से कितना प्यार करती है, अपनी शादी बचाने के लिए दिन रात रोती रहती है, और वो कमीना एक घटिया औरत के लिए उसे दुख देता रहता है। कभी अपनी बीवी के बारे में भी सोचा इस तरीके से? हाँ, हमेशा सोचता हूं कि उसे कितनी शर्म आती होगी कि उसकी शादी एक काने से हुई है। ये इस आंख को देखकर शर्माती है ना अपने आप को मेरी बीवी बोलने में। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं रिश्ते के लिए तुम्हें देखने आया था। आई तो चाहती मैं उस काने से शादी करूं? पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच बता रही हूँ। दिया, इंसान को उसके चेहरे से नहीं परखना चाहिए, उसका बर्ताव तो देख। आई प्लीज दिया, मुझे एक बात बता, अगर आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरी या तेरी जीजा जी की आंख चली जाए, तो हम क्या एक दूसरे को छोड़ देंगे? नहीं ना, अच्छा इंसान है, अच्छा कमाता है, तुझे खुश रखेगा, इससे क्या चाहिए तुझे ज्यादा? और शरीफ है वो। हाँ पता है कितना शरीफ है वो। अंकित की पढ़ाई के पैसे का लालच देकर खरीद रहा है ना वो, मुझे सब पता है। मुझे तेरे साथ साथ अंकित की जिंदगी भी सुधर जाएगी। मान जा बेटा, मान जा, करेगी ना शादी। सब कुछ जानने के बाद भी शादी की तुमने मुझसे? मुझे लगा था कि आरती के कुछ गुण तो होंगे तुमने, लेकिन मैं गलत था। खड़े तो जिंदा है, एम्बुलेंस को फोन करो। सर। तुमने उसे चाकू से मारा? घर कब तक आओगे? पता नहीं। इसलिए पूछ रही हूँ कि दारू पीकर आओगे तो घर पे खाना खाओगे या बाहर से खाकर आओगे? तू ना अपनी जुबान ना। किसका है? ऐसे ही रॉन्ग नंबर है। अब तेरा यार विनय भी रॉन्ग नंबर की लिस्ट में आ गया। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तेरा ऐसे चक्कर चल रहा है? मुंह मारती फिरती उसके साथ। हाँ चल रहा है चक्कर। तो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है विनय। एक मिनट। ये तो ले जाना ही भूल गए। पहन कर जाओ वरना लोग डर जाएंगे। हेलो विनय। विनय तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मनोज को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। हाँ। अच्छा विनय तुम आ। तुम फिर से यहाँ आ गई? देखो मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। जाओ यहाँ से। इस बार तुमको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरे सबूत के साथ आई हूं। ये देख लो। मुझे पता है तू चले वो और दिया का यार मैंने है ना। अब हिम्मत है तू बाहर निकल रहा। दिया ये दिया ये भाग गई क्या अपने यार के साथ? लगता भाग गई। ये जलने की घर को आग लगा गई क्या मेरे? दिया पेट्रोल की बदबू अभी तक आ रही है सर। बॉडी भी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। खड़े चेक करो जरा क्या हुआ था। सर जब मैं घर आया तो मैंने इस विंडो से देखा कि ये बॉडी जल रही है सर। तब तक चेहरा पूरी तरह नहीं जला था। मेरी बीवी दिया ही है सर। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी दिया है? सर यकीन से तो नहीं कह सकता क्योंकि उस समय मैंने थोड़ी पी रखी थी सर, और मेरी एक आंख भी खराब है, पर सर दूसरी आंख से बिल्कुल साफ दिखता है। यकीन से नहीं कह सकता सर। तुम कह रहे थे कि तुम जब आए तब उसका चेहरा आधा जला हुआ, इसका मतलब तुम्हारे आने से कुछ देर पहले उसको जलाया गया। तुमने किसी की आवाज़ सुनी या किसी को जाते हुए देखा? हाँ सर, हाँ सर एक आवाज़ सुनी थी सर। सर पर उस समय पर लगा कि ऐसी कोई आवाज़ होगी, लेकिन सर अभी मुझे पक्का यकीन है सर कि वही था जिसने दिया को मार के जला दिया है सर, वही था सर। शिर्के सर फॉरेंसिक टीम को बुला, घर के आसपास की एविडेंस कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और ये दिया और मनोज इनके फैमिली के डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। अरे मला कळलं ना, एकदा सांगितलं की कळतं, मी पोलीस ऑफिसर आहे। हाँ ठीक है वो करतो ठेवून दे। चल सर, मनोज के पड़ोसियों से बात की है सर, उनका कहना है कि कल दोपहर के बाद दिया को किसी ने नहीं देखा सर। इन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं, और ये मनोज छोटा मोटा बिल्डर है, अच्छा खासा कमा लेता है सर, लेकिन दोनों के पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है। दोनों मियाँ बीबी के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है सर, इतनी लड़ाई की आवाज़ें पड़ोसियों तक को सुनाई देती है। अरे उसमें क्या नई बात है, मैं भी अभी वही कर रहा था। कुछ नई चीज़ बता सर। वो दिया की बहन आरती के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है। 1 साल पहले मनोज ने आरती के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया था। ये केस मैंने ही हैंडल किया था सर, मामला कोर्ट तक गया था। कोर्ट में आरती ने मनोज के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का भी चार्ज लगाया, लेकिन सर ये रेप साबित नहीं हो पाया। डिफेंस में मनोज का ये कहना था कि आरती ने ये सब जानबूझकर किया है, और सर फैमिली के नाम पर दिया और आरती की माँ सावित्री है, और एक छोटा भाई अंकित है। अरे मनोज की फैमिली में सर, मनोज की फैमिली में सिर्फ दिया है, मनोज अनाथ है। अच्छा, मनोज के घर में कुछ मिला? मर्डर वेपन, फिंगरप्रिंट्स? सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने सभी जगह अच्छे से जांच पड़ताल की है, लेकिन सर कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला। हाँ लेकिन फिंगरप्रिंट के नाम पर घर में मनोज और दिया के ही फिंगरप्रिंट है। हाँ लेकिन किचन और बाथरूम में कुछ लंबे बाल मिले, और हो सकता है कि वो बाल दिया के ही, और घर के बाहर ब्लड सैंपल्स भी मिले। मैंने दोनों सैंपल्स को DNA टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अब सर DNA रिपोर्ट आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि बॉडी दिया की है। उसकी माँ को इन्फॉर्म किया? यस सर। नहीं, मेरी दिया नहीं मर सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दिया। देखिए आपके दुख में हम शामिल हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। वैसे देखा जाए तो ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए हमें। दिया को कौन मार सकता है? आप किसके ऊपर शक? क्योंकि दिया के पति मनोज ने कहा था कि उन्होंने किसी को देखा था वहाँ उस वक्त। झूठ बोल रहा है वो, उसी ने मारा मेरी ताई को। ये क्या बकवास कर रहा है तू, पागल हो गया? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं मैं। हम तीनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाते थे, सारी बातें शेयर करते थे। अब दिया था ही परेशान रहती थी, रोती रहती थी, और मुझे बताती थी कि वो हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, शराब पीकर उन्हें मारते भी हैं। और तो और उन्हें यह भी लगता था कि मनोज जीजा जी की आरती ताई के साथ जबरदस्ती वाली बात भी सच है, और तब से उनमें झगड़े शुरू हुए थे। और मनोज जीजा जी ने तो कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर मैंने दिया को नहीं मारा सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। धमकी दी थी ना सर? धमकी दी थी, लेकिन उस समय मैं गुस्से में था सर। तो इस मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है। तू दिया को मार सकता है, इसकी 3 वजह। 1, तू उसका पति है। नंबर 2, तुम दोनों के बहुत झगड़े होते थे। और नंबर 3, और तूने बताया था ना कि जब दिया की बॉडी जल रही थी तब वहां तू गया था, तो इसकी गवाही देने वाला कोई गवाह नहीं। सर मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो खुद परेशान था सर इस शादी से। पूरी फैमिली ने मिलकर धोखा दिया था मुझे। और सर दिया मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, पैसों के लिए शादी की थी उसने मुझसे। शादी से पहले उसका किसी विनय नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, और अभी 3-4 महीने पहले वापस से उसका उससे अफेयर शुरू हो गया था। तेरे को कैसे पता? सर कल जब मैं ऑफिस जा रहा था तो विनय का फोन आया, मैंने दिया को पूछा तो उसने मुझे खुद बताया कि हाँ चल रहा है चक्कर, तो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है विनय। ये 4थी वजह। समझा तू क्या बोल रहा है? तेरी ये गवाही तेरे खिलाफ जा रही है, और इसी वजह से तूने दिया का मर्डर किया। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने मैम मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। किसकी? मेरी बीवी 2 दिन से गायब है। बीवी 2 दिन से गायब? और तो श्याम देशपांडे। आप मुझे कैसे जानते हो? बैठो। दिया के माँ के घर में तुम्हारा फोटो देखा था, सब कुछ बताया उन्होंने तुम्हारे बारे में। तो दिया का मर्डर तुमने किया है। ये क्या बोल रहे हो? मैं दिया का मर्डर क्यों करूंगा? और हाँ, यहाँ मैं दिया के लिए नहीं, आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है। आरती कैसे गायब हो सकती है? वो तो मनोज के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर है। 2 दिन पहले ही पैरोल पे बाहर आई थी वो, और वो बात मुझे आज पता चल रही है जब मैं उसे मिलने जेल पहुंचा। कमाल है, तुम्हारी बीवी जेल से बाहर आई और तुम्हारे पास नहीं आई? नहीं, और यही पूछने के लिए मैंने अंकित को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया मेरा। तुम्हारी बीवी कहाँ है पूछने के लिए तुमने साले को फोन किया और उसने बताया नहीं? तुम्हारी बनती नहीं क्या तुम्हारी बीवी के साथ? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आरती के पास फोन नहीं था और अंकित और आरती बहुत क्लोज है, तो मैंने सोचा कि अंकित को पता होगा आरती कहाँ है। दिया को क्यों नहीं फोन किया तुमने? दिया से भी नहीं बनती तुम्हारी? मनोज की वजह से आरती दिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी, और इस जानलेवा हमले के बाद तो कुछ और भी। कुछ ही दिन पहले अंकित और दिया में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, किस बात पे मुझे पता नहीं, तो मैंने सोचा कि अंकित ही है जो शायद मुझे बता सकेगा कि आरती कहाँ है। आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देना, आरती की सारी डिटेल्स दे देना बाहर, बाकी सब हम देख लेंगे। सर मैं तब भी सच बोल रहा था और आज भी सच बोल रहा हूँ, हम तीनों भाई बहन एक दूसरे से करीब थे। तुमने ये तो बात बताई उस दिन कि तुम करीब थे, लेकिन एक झगड़े वाली बात नहीं बताई थी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपके सामने ताई की इमेज खराब हो। तो तुम्हारी इमेज खराब होगी तो चलेगा। किस बात से झगड़े होते थे? सर वो ये घर बेचना चाहती थी, उन्हें बस अपना हिस्सा चाहिए था, उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं थी। दिया को इतने पैसों की जरूरत थी कि वो अपना ही घर बेचना चाहती थी। पता नहीं, हो सकता है वो रोज के लड़ाई झगड़े से मारपीट से तंग आ गई हो और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। तुम कुछ बताना चाहती हो? मैं क्या बताऊं साहब, मुझे उसके बारे में जो कुछ पता चलता इसी से पता चलता था। वो कहा मुझे कुछ बता कर जाती थी, लेकिन आरती का और उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। लेकिन आरती की जिंदगी देखो, उस मनोज के वजह से वो पूरी जिंदगी जेल में है। आरती जेल में नहीं है, बाहर है, पैरोल पे। घर क्यों नहीं आई और फोन भी नहीं किया? अंकित तुझे कुछ पता है? नहीं आई। इसे भी नहीं पता, फोन भी नहीं किया और घर भी नहीं आई वो। फिर साहब मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी, बोलिए ना। शिरके अजीब बात है ना, एक ही फैमिली की 2 बहनें, दोनों के शादी को लेके प्रॉब्लम है। उनमें से एक बहन गायब है और एक शायद मर चुकी है। बड़ी बहन आरती ने छोटी बहन दिया के पति मनोज के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया। ये बात दिया को पता है, लेकिन फिर भी उसने आरती को कोर्ट में बचाने की कोशिश नहीं की। जिस दिन आरती पैरोल पे बाहर आई उसी दिन दिया का मर्डर हुआ या वो गायब हो गई, और आरती पैरोल पे बाहर है ये किसी को पता नहीं। तो क्या आरती को पता है दिया का मर्डर हुआ है? सर मैंने मनोज के यहाँ 2 महीने पहले तक उसकी एक्स सेक्रेटरी निकी, जो उसके यहाँ काम करती थी, उससे बातचीत की। उसने बताया कि मनोज की रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी। मैडम, मनोज कुलकर्णी बहुत घटिया आदमी है। वो लड़कियों को ऐसी नजर से देखता है कि अभी खा जाएगा, और उसने मेरे साथ एक बार नहीं कई बार गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्वालिटी सप्लायर से पूछो कि उनका कोटेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, और वो शिंदे को पूछो कि वो शिवाजी नगर वाली साइट पे माल पहुंचा कि नहीं अभी तक। सर ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। इतना फिट कैसे रह लेती हो तुम? कुछ टिप्स हमें भी दो कि लड़कियां हमारी तरफ भी पलट पलट कर देखें। देखो जरा क्या कमाल का फिगर है तुम्हारा। सर निकी सर मैं बात कर। जब उसने पहली बार मेरे साथ घटिया हरकत की तो मैं शॉक थी कि मैं क्या करूं, और जब ये बात मैंने उसकी बीवी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया, और जब सेकंड टाइम उसको ये वीडियो दिखाई तब उसको यकीन हुआ कि उसका पति कितना कमीना आदमी है। ये रही वो वीडियो। ये वीडियो तुमने दिया को कब दिखाई थी? डेट याद है? मैडम 14 जून सुबह। इसका मतलब 14 जून को निक्की ने दिया को ये वीडियो दिखाई और उसी रात दिया का मर्डर हुआ। मतलब मनोज के खिलाफ हमारे पास और एक एविडेंस है। दिया का मर्डर मनोज ही कर सकता है। सर, दिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 जून की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है। बॉडी पर 4 बार वार किया गया था सर। उसके बाद उसके बॉडी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, जिसकी स्मेल हम वहां जाने तक थी। राइट सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक घर के किचन और बाथरूम में जो बाल मिले थे उसका डीएनए बॉडी से केवल 50% ही मैच करता है। और सर, घर में जो दिया की मेडिकल रिपोर्ट मिली थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच नहीं करता है। उल्टा सर, जो आरती की मेडिकल रिपोर्ट हमने जेल से मंगाई थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच करता है। मतलब शिर्के फैमिली में 3 औरतें थी, जिसमें से एक जिंदा है, एक गायब है, एक मर चुकी है। और दिया के घर में जो हमें बाल मिले वो बॉडी से सिर्फ 50% मैच होते हैं और ब्लड आरती से मैच होता है। शिर्के हम गलत हैं। मर्डर आरती का हुआ है, दिया का नहीं। जिस बात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे वो ये थी कि मरने वाली औरत दिया नहीं बल्कि आरती थी। पर सवाल ये था कि आखिर आरती इतनी रात को दिया के घर क्यों गई थी और उसे किसने और क्यों मारा? क्या मनोज ने आरती का मर्डर किया था क्योंकि आरती ने मनोज पर चाकू से वार किया था? दूसरा सवाल यह था कि दिया आखिर थी कहाँ? अपने बॉयफ्रेंड विनय कुलकर्णी के साथ कहीं गायब थी, सही सलामत थी, या फिर उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई थी? सर, खबर मिली है कि विनय कुलकर्णी दिया के 4 महीने के बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए नवजीवन क्लिनिक पहुंचा। वहाँ क्लिनिक में उसने अपना आधार कार्ड जमा किया था, वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिली सर। और सर, ये विनय भी 4 दिन से गायब है। दिया, अंदर जाइए। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखना, अब हमें एक होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। टेंशन मत लो, जाओ, मैं हूं यहाँ। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दिया विनय के साथ है। राइट सर। सर, जेल अथॉरिटी से पता चला है कि पैरोल मिलने के बाद आरती ने अपने पति श्याम देशपांडे को फोन किया और कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। और सर, पैरोल का पूरा इंतजाम किसी और ने नहीं, दिया नहीं करवाया था। और उसने इसके लिए वकील नितिन वर्तक को अपॉइंट किया था, जो कि इसी केस में मनोज का भी वकील था, जिसने आरती को सजा दिलवाई थी। शिर्के, ये दिया और विनय के लिए बोलो जारी करो और उस वकील को बुला। उस शाम को बहुत फिक्र थी ना आरती की, पूछताछ करते उससे। सर, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। 14 जून को आरती का कोई फोन नहीं आया। चाहे तो आप मेरा फोन चेक कर सकते, मैं तो ऐसे सब में से बाहर नहीं आ पाया कि आरती का मर्डर हो चुका है, वो मर चुकी है। लैंडलाइन पे गया होगा। हाँ, पता नहीं मुझे सर, क्योंकि उस दिन मैं घर पे था ही नहीं। मैं मेरे फ्रेंड के घर दायतोंडे उसके घर फुटबॉल मैच देखने गया था, वहीं पे डिनर किया और लेट नाइट घर पे आया। तो शायद दिन भर में कहीं फोन आया होगा, तो पता नहीं। श्याम, मैं वो ये कौन? ये मीरा मेरी असिस्टेंट। मेरा बिजनेस है, शादियों में, इवेंट्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ। घर पे ही ऑफिस है मेरा। तो जिस दिन ये गायतोंडे ना, हाँ, गायतोंडे के पास गए थे, तो आप तो घर पे ही थे ना, मतलब ऑफिस में? सर, दोपहर में तो मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी और रात को वापस आई। कमाल है, ये घर को ऑफिस कह रहे हैं, आप बोल रहे ऑफिस के काम से बाहर गई थी। वैसे ऑफिस आवर्स क्या है? नहीं मतलब दोपहर में आप ऑफिस के काम से बाहर गई, वापस रात में आई, ओवर टाइम कर रही थी या नाइट शिफ्ट? सर, वो शिर्के, तुम्हारा एड्रेस देना घर का, और आप ऑफिस के काम से जा गई थी ना, वहाँ का भी एड्रेस देना। चाय क्या पिलाई है? थैंक यू सर। अगले टाइम शक्कर ज्यादा डालना। ठीक है सर। शिर्के, ये बात तो कंफर्म है ये मीरा श्याम के असिस्टेंट नहीं, उससे ज्यादा है। ये केस हमें जितना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं है। देखो, ये श्याम के पास आरती को मारने का मोटिव है, पर उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आरती को पैरोल मिलेगा, वो सीधी घर चली आएगी, और इसीलिए मीरा के साथ बिंदास रह रहा था। आरती जब घर गई तो मीरा को लेके उसका झगड़ा हुआ। वो दिया के घर जाने निकली, श्याम उसके पीछे गया और उसने आरती को मार दिया। सर, मनोज भी तो हो सकता है। कैसे? सर, हो सकता है कि पेरोल से निकलने के बाद आरती श्याम के घर ना जाकर मनोज के घर गई। इस बात का जवाब मांगने की कोर्ट में मनोज ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम क्यों लगाए, और गुस्से में आकर मनोज ने उसका मर्डर कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुमने मुझे झूठे केस में फंसाया, पर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। जेल भेजूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सर, एक और सस्पेक्ट है दिया। सर, एक और एंगल है प्रॉपर्टी वाला। इसे पैसे तो चाहिए थे, तो एक वारिस कम होने की वजह से उसे पैसे का शेयर ज्यादा मिलता, इसलिए जब आरती उसके पास पहुंची तो उसने आरती को मार दिया। पहले मेरी उससे शादी करवाई, उसके बाद खुद उस पर डोरे डालती रही। मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने। ये मीरा श्याम की सो कॉल्ड असिस्टेंट, इसके पास भी मोटिव है। उसे लगा होगा कि जब आरती घर वापस आ जाएगी तो श्याम मीरा को घर से बाहर निकाल देगा, और इसी वजह से उसने आरती को मारा होगा। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मीरा को कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। सर, एक्सक्यूज मी। दिया का कुछ पता चला? नहीं सर। लो, चाय पी लो। अरे, तुम रो रही हो? घर वालों की याद आ रही है। मैंने मैंने सोचा था ताई को जेल से आजाद करवाऊंगी, उस मनोज को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। सर, ये श्याम की सिस्टम मीरा की फाइल, जिसका असली नाम शबनम है। सर, इसका काम पैसे वाले लोगों को फंसा के उनकी वीडियो बनाना और फिर उसे ब्लैकमेल करना। सर, उन्हीं पैसे वालों में से एक ने इसकी कंप्लेंट भी की, पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वो पहले गुजर गया, इसलिए अभी तक खुला घूम रही है। गुड वर्क तृप्ति। मीरा और शबनम, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा, और मर्डर के वक्त ये कहाँ थी पता कर। सर, एडवोकेट नितिन वर्तक आपको मिलने आए। भेजो उनको। सर, मनोज गिरा हुआ इंसान है। ये बात सच है कि मनोज ने आरती पर रेप करने की कोशिश की थी, जिसके डिफेंस में आरती ने उसको चाकू से वार किया था। तुम रो मत। तुम जब रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आरती। तुम बिल्कुल रो मत। तुम रो मत आरती। छोड़ो, तुम दारू पे क्या हो? मैं प्यार करता हूँ आरती तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन के पति हो तुम। शर्म आती हो से इस काने को अपना पति कहने में। पर तुम ऐसी नहीं हो आरती। आरती, तुम ना वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, शाम को डिवोर्स दे दो। दिया भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मानो, मैं भी उसे डिवोर्स दे दूंगा। छोड़ो, हम दोनों शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी रोने नहीं दूंगा, बहुत प्यार करूंगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मनोज ने खुद मुझे बताया था। कमाल है, मनोज ने आपको सब सच बताया था, फिर भी आपने ये केस ली और आरती को सजा दिलवाई। केस लड़ना और केस जीतना मेरा काम है, और जब बड़ी रकम मिले तो केस हारना कौन चाहेगा। उल्टा आरती ने मेरा काम आसान किया था, कोर्ट में ये कहकर कि ये सब हुआ उस वक्त आरती और मनोज के अलावा घर में कोई नहीं था। आरती ने यह भी कबूल किया कि उसने चाकू से वार किया था मनोज पर। अब आरती के पास निर्दोष होने का कोई सबूत भी नहीं था, पर उसने गुनाह कबूल किया था। तुम जैसा वकील हर इनोसेंट इंसान के खिलाफ अगर केस लड़ेगा ना तो उसको न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये आरती को बाहर पेरोल पे लाने का नाटक क्यों किया? ये आइडिया कब आई? वापस आपको गिल्ट फील हुआ? इंसान हो सकता है, पर हुआ नहीं। कुछ महीने पहले दिया मेरे पास आई थी अच्छे डिवोर्स वकील के बारे में पूछने के लिए। वो मनोज से काफी तंग आ चुकी थी, तो मैंने उसे एक अच्छे वकील का नंबर भी दिया था। थैंक यू। वेलकम। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। आरती ताई के साथ मनोज ने सचमुच में जबरदस्ती की थी या ताई ने गुस्से में आकर उसे चाकू मारा था? दिया को मैं झूठ नहीं बोल पाया। आरती कोर्ट में सच बोल रही थी। उसने मुझे पूछा कि क्या आप आरती को सजा से बचा सकते हैं। मैंने उसे कहा कि सजा से तो नहीं बचा सकता, लेकिन पेरोल पे तो जरूर बाहर निकाल सकता हूँ। आफ्टर ऑल 14 जून को आरती को रिहा कर दिया गया। आवाज बंद कर। बोलना है तो सच बोल, झूठ बोलेगा ना तो बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने आरती को मारा ना, बाद में जला दिया और हमको गुमराह करने की कोशिश की कि तूने दिया को जलते हुए देखा। तेरे को पता था दिया विनय के साथ भाग के गई है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने आरती को नहीं मारा, मैं तो प्यार करता था सर आरती से। सर क्या करता था? तूने पहले उसका रेप किया, बाद में उसको झूठे इल्जाम में अंदर करवा दिया। ये प्यार है सर। मैं उसको जेल भिजवाना नहीं चाहता था सर, पर जब मैंने वो रेप वाली बात सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया सर, इसलिए मैंने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा दिया सर। जब तक मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, बहुत देर हो गई थी सर। सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा है। अरे बोल रहा है सर, ये मीरा की मोबाइल लोकेशन सर, इसके मुताबिक उसने दिया के घर तक आरती का पीछा किया सर। हो सकता है कि उसने उसको मारकर उसकी बॉडी को जला दिया हो। और सर, शाम की गाय तोड़ने वाली स्टोरी को भी क्रॉस चेक किया सर, शाम झूठ बोल रहा है। उस दिन शाम 5 बजे वो घर पे ही था। उसने पास से रिसीव किया और साइन भी किया। ये देख भाई, ये शिरके है ना, इसके हाथ में अभी खुजली हो रही। वो जब मारना शुरू करेगा ना तो उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। शिरके बग बाबा। नहीं 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 नहीं, बता लो मैं। अरे बोलना। पेरोल पे आरती छूटने के बाद सीधा घर पे आई थी। तुम कौन है डार्लिंग? ओ, ये तो मर्डर है ना। अच्छा, तो तू जेल से छूट कर आई है या भाग कर? अपना मुंह बंद रख। मैं शाम से मिलने आई हूँ। ये तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है और अब शाम से तेरा कोई वास्ता नहीं है, समझी? इसलिए इज्जत से चली जाओ वरना धक्के मार के निकाल। अपनी औकात में रहे। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अब तक, और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता, ये मेरे पति और ये मेरा घर। बस करो भी, निकलो यहाँ से। जाओ अपने बहन के घर पे जाओ, मेरा जीना आराम मत करो। वही तो नहीं किया मैंने अब तक, पर अब करूंगी। सिर्फ तुम्हारा नहीं, इसका भी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। ये ऐसे चुप नहीं बैठेगी, अब इसे चुप बिठाना पड़ेगा। और इसका खेल तो मैं खत्म करूंगी। क्या कर रही हो तुम? मीरा, मीरा, मीरा। मतलब मीरा ने आरती को मारा और उसको जला दिया? पता नहीं, क्योंकि जब वो वापस आई तब उसने मुझे कहा कि वो आरती को नहीं मार पाई, रास्ते में कहीं गुम हो गई आरती। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, इसलिए मैं आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया, ड्यूटी मिसिंग कंप्लेंट, ताकि अगर कुछ हुआ तो मैं बच जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि दिया का नहीं आरती का मर्डर हुआ है, तब मुझे ऐसे लगा कि मीरा मुझसे कहीं झूठ बोल रही है। जिस दिन आप मेरे घर पे मुझसे और मीरा से सवाल करने आए थे, उसी दिन से मीरा अपने सामान के साथ गायब है। तूने और मीरा ने दोनों ने मिलकर आरती को मारा और उसको जलाया? नहीं सर, नहीं सर। सर सर नहीं किया सर, ऐसे कुछ नहीं किया सर। सर खरे बोल रहा सर, नहीं। शिरके, मीरा को जल्द से जल्द ढूंढो, नहीं तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। अपने सारे खबरों को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, हेलो। मैं आप ही के पास आ रहा था। एक्चुअली मुझे कंप्लेंट लिखवानी है सर। मेरे घर में 2 बार चोरी हो गई, अच्छा खासा कैश गायब हो गया। प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। आपका नाम? जी मेरा नाम हरीश लालवानी है, बिल्डर। पहली बार चोरी हुई तो 50,000 रुपये गायब। मुझे लगा जहाँ से सामने से पेमेंट आई थी वहाँ से कुछ झोल होगा। उन्हें कंफर्म किया, उन्होंने कहा नहीं पूरा पैसा दिया है। और अब दूसरी बार 1 लाख रुपये गायब हुए, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, कंप्लेंट लूँगी और जाके चेक करो, कंप्लेंट लिखवा दो। ओके लालवानी जी, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज एविडेंस सब कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी आपके पैसों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? चलो। ये जो लड़का अभी यहाँ से गया, ये आपका कौन लगता है और आपकी बेटी के साथ क्या कर रहा है? ये मेरी बेटी का मंगेतर है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ करना पड़ता है। चलो। अब ये तो साबित हो चुका है कि जो मर्डर हुआ और जो बॉडी जलाई गई वो आरती थी, तुम नहीं। आरती को 4 बार चाकू से मारा गया था और उसके बाद में उसकी बॉडी को तुम्हारे घर के बैकएंड में लाके पेट्रोल से जलाया गया। सर, इसे पता था कि आरती पैरोल पर छूटने वाली है। ये उससे मिलकर ही निकलना चाहती थी, पर मनोज को हमारे बारे में पता चल गया तो मैंने ही इससे कहा कि अभी चलते हैं, बाद में मिल लेंगे। सर, मैं उस दिन मनोज की वजह से ताई से नहीं मिल पाई और अब कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें जेल से आजाद करवाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये आजादी उनकी जान ले लेगी। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, नहीं थे ना? और तुम्हारे माँ ने और अंकित ने तुम्हारा घर बेचने से मना कर दिया था। तुमने मांगे थे ना पैसे उनसे? हाँ मांगे थे, लेकिन मैंने कोई भीख नहीं मांगी, अपना हिस्सा मांगा था। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की जबरदस्ती पे मैंने उस मनोज से शादी करी और उसने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो कभी मुझे बीवी माना, ना ही कभी मुझे छोड़ा। जिस फैमिली के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने क्या किया मेरे लिए? मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोचूं, क्यों ना अपना हिस्सा मांगू, क्यों विनय के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत ना करूँ? सिर्फ भाई नहीं, माँ ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। ये क्या लगा रखा है डिवोर्स? हाँ, अरे अपना नहीं तो हमारे बारे में तो सोच। अरे और कितना सोचूं आई? तुम्हारे और ताई के कहने पे मैंने उस मनोज से शादी की ताकि इसका भविष्य बन सके। अब बन चुका ना भविष्य इसका। अरे अब तो मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, अब तो मुझे विनय के साथ जाने दो। फिर तुझे उस विनय का भूत सवार हो गया? अरे जो तुझे 2 वक्त का खाना तक नहीं दे सकता, उसके लिए तू इतने बड़े आदमी को ठुकरा रही है? आई तो अपने पैसे का लालच अपने पास रख। मैं कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। कम में गुजारा कर लेगी ना, फिर हिस्सा क्यों चाहिए तुझे? अरे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ अपना। शादी करा दी, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? शादी के नाम पे ना बेचा था आपने मुझे उसे। भाई मैंने तब आप लोगों की मजबूरी समझी ना, अब आप मेरी मजबूरी समझो। अगर आप ही लोग मुझे फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं टूट जाऊंगी। लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, जो कुछ भी है अंकित का है, तेरा नहीं है। तो अब तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, मैं अपना हक लेके रहूंगी। क्या करेगी तू? क्या देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मेरी बात सुन ले। क्या करेगी? बस करो तुम दोनों। ताई तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा, लेकिन तेरा एहसान नहीं लूंगा। अरे सुन सुन के कान पक गए मेरे, तेरे लिए किया, तेरे लिए किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक एजेंट का फोन आया कि अंकित घर बेचना चाहता है। मुझे लगा मेरा दुख समझ रहा है। फिर मनोज को मेरे और विनय के बारे में पता चल गया तो मैं घर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद मैंने ताई के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, लेकिन जब तक केस चालू है शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना। बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। बोलो शिरके, लेके आओ उसको। तृप्ति सर, एक नया एंगल सामने आया है, शायद पुराना है। लालवानी के घर से शिरके को कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा है। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने खुद के घर में चोरी की। बिल्कुल सही अंदाज निकला आपका। हमने आपके घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ऐसा पता चला कि आपके घर में सिर्फ आप और आपके पापा के अलावा कोई नहीं, तो पापा अपने खुद के पैसे की चोरी क्यों करेंगे? कुछ लॉजिक नहीं ना बनता, तो कौन कर सकता है? हाँ वो सर, हाँ बोलो बोलो, सच बोलो। वो चोरी मैंने की है सर, पर सर खुद के लिए नहीं, अंकित की हेल्प करने के लिए की थी। क्यों सर? वो अंकित को कोई किसी वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कौन सा वीडियो? सर मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो। अंकित ना बहुत रोता था, बहुत परेशान था, तो बस सर उसको हेल्प करने के लिए मैंने पापा के पैसों में से पहले 50,000 और बाद में 1,00,000 रुपए निकाल के दे दिए। हरीश लालवानी के घर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया, जो कि खुद उसकी अपनी बेटी कंचन थी, जो अपने मंगेतर अंकित को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर रही थी। सवाल यह था कि क्या वाकई कोई अंकित को ब्लैकमेल कर रहा था, और अगर हाँ तो क्यों और किस लिए? अंकित और उसके ब्लैकमेलर का सच जानने के लिए पुलिस ने एक चाल चली, जिसमें हरीश लालवानी ने भी उनका साथ दिया। लालवानी के घर में मौजूद तमाम कैश को मार्क किया गया और उसे पाउडर लगाया गया, और कंचन को भी इस बात की हिदायत दी गई कि वो इसकी खबर अंकित को ना लगने दे। फिर जैसे ही अंकित ने कंचन से और पैसे मांगे, कंचन ने फिर से पैसे चुराकर अंकित को दिए, और अंकित ने हर बार की तरह यही कहा कि उसे ये पैसे ब्लैकमेलर को देने हैं, आखिरी बार। आखिरी बार दे रहा, इससे आगे मैं तुम्हें और पैसे दे नहीं सकता। पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, मैं जब जब मांगूंगी तब तब देने पड़ेंगे, इसलिए आगे के लिए सोच के रखना। इससे आगे तू मांग ही नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। चाकू फेंक वरना गोली मार दूंगा। फेंक चाकू। मैंने जानबूझकर दिया था कि बात एक एजेंट से करवा दी थी, ताकि वो कुछ दिन तक तो चुप रहे, लेकिन मैंने आई के जाली दस्तखत करवाकर घर को गिरवी रखवा दिया था, और उसके लिए खरीदार भी मिल गया था। मैं बस हमारे घर को बेचकर खुद के लिए और पेंशन के लिए एक नया फ्लैट खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि दिया ताई के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आपका सीधा सीधा शक मनोज जीजा जी पर ही जाएगा। उस दिन जब मैं दिया ताई के घर पहुंचा तो वो भारी थी, तो मैंने पीछे से जाकर उन्हें मार दिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दिया ताई नहीं आरती ताई थी। आरती ताई ने दिया ताई को आवाज लगाई बचाव के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और हड़बड़ाहट में मैंने आरती ताई को मार दिया। फिर एक बोतल में अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और उसे जला दिया, और फिर मैंने देखा कि मीरा ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया है और उसकी वीडियो भी बना ली। सर मैं आरती के पीछे गई थी आरती को मारने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि मेरा काम तो अंकित कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं। फिर मैंने अंकित का वीडियो बनाया और इसे ब्लैकमेल किया, पर इसके पास कोई चारा भी नहीं था मुझे पैसे देने के अलावा। पर मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, इसीलिए मैंने किसी तरह रो धोकर कंचन को मनाया कि वो उसके खुद के घर में चोरी करे, और हाथ कुछ नहीं लगा। शिर्के अंकित के खिलाफ आरती का मर्डर और मीरा उर्फ शबनम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और सबूत छुपाने के जुर्म में चार्जशीट दाखिल करो। लेके जाओ इनको। जिस चाकू से अंकित ने आरती का मर्डर किया था, पुलिस ने उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। रिपोर्ट में चाकू पर आरती का खून और अंकित की उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि आखिर अंकित ने ही अपनी सगी बहन आरती का मर्डर किया था। यह केस हमें सिखाता है कि गलत तरीकों से अपने सपनों को पूरा करने का तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये चालाकियां, ये पैतरे सिर्फ और सिर्फ आपको जेल की ओर ले जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.